Turn from Saroliang. This time Pratik put away overlong off, fantastic shot, magnificent at 6 runs. This is a typical Pratik Patil stroke. On the rise he played, overlong off boundary for 6. You can see there, terrific timing, nice foot balance. इस मरतबा हुक किया है प्रतीक पाटिल ने, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 27 रन। एक और आसमानी टोला, ये तो बहुत दूर गई है, 6 रन। सिक्सर के हैट्रिक प्रीतेश के बाद करने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए, चौथे बैट्समैन। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की पिंच हिटिंग कर रहे हैं प्रतीक पाटिल, इसीलिए तो तालुका क्रिकेट के बहुत मान ऑलराउंडर में उनकी गिनती भी और छिट्टी के बलबूते पे। इस मरतबा कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, बाहरी किनारे को छूकर थर्ड मैन पे। इस मरतबा स्विच इट, गेंद जा रही स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। अब खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाजी से प्रतीक पाटिल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 42 रनों पर। ये मैच की अहमियत बढ़ गई है क्योंकि इस मरतबा फ्लिक कर दिया गैप में, ओ हो हो, फाइनल, उसके बाद सेमीफाइनल और आखिर में फाइनल। इस मरतबा फोर्स किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर, गेंद 6 रनों के लिए, 40 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या अर्धशतक लगाएंगे। अभी तक इस स्पर्धा में रोहन पिंपलास ने अर्धशतक लगाया, पवन ने अर्धशतक लगाया था जेबी कप में रबर गेंद पर, और क्या। इस मरतबा गेंद को फिर खेल दिया लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन। ऐसा लग रहा है कि प्रतीक पाटिल को गेंद फुटबॉल नजर आ रही है। 46 पे बल्लेबाजी कर रहे और स्कोर को कहां पहुंचा दिया है, 56। दोन खेलाड़ और इसके साथ ही प्रतीक पाटिल का अर्धशतक, रिवर्स शॉट, कमाल की बल्लेबाजी की है प्रतीक पाटिल ने, बिग एंड। पुनः एकदा षटकऱ्यांची हॅट्रिक, दोन षटकऱ्यांची हॅट्रिक आणि अर्धशतक पूर्ण केलेले या स्पर्धेमधील सुजाता पिंपलास रोहन या फलंदाजानंतर दुसरं अर्धशतक आपण पाहतोय टेंभोळी संघाचा फलंदाज, सलामीचा फलंदाज अर्थातच प्रतीक पाटील याच्याकडून।